नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप है बिहारी न्यूज के साथ। और हमारा चैनल आपके लिए लेकर के आया है एक नया सेगमेंट, कौन बनेगा सांसद। बिहार के 38 जिलों के 40 लोकसभा सीट से हम वो सब सारा रिपोर्ट लाए हैं जो आप जानना चाहते हैं। कौन बनेगा सांसद, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और कटिहार जिले के बारे में जानेंगे। कटिहार जिले से कौन बनेगा सांसद? कटिहार जिले से कांग्रेस के तारिक अनवर प्रत्याशी बनाए गए हैं और जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं। बिहार के महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 1957 में देश के लिए दूसरे लोकसभा निर्वाचन में यहाँ पहली बार मतदान किया गया। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक स्थान रहा है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे और उन्होंने मनिहारी में मणि को खो दिया था। इस क्षेत्र में अंग और मगध समेत मुगलों और अंग्रेजों ने भी शासन किया। यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें आज भी मौजूद है। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए यहाँ के लोगों द्वारा किए गए आंदोलन को कटिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कटिहार मेडिकल कॉलेज यहाँ का प्रमुख चिकित्सा शिक्षा संस्थान है। कटिहार बिहार का जिला है जो पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित है। पहले यह पूर्णिया जिले का एक हिस्सा था। इसका इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। मुगल शासन के अधीन इस जिले की स्थापना सरकार तेजपुर ने की थी। 13वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ पर मोहम्मदीन शासकों ने राज किया। यहाँ की सबसे निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा सिलीगुड़ी के निकट है। कटिहार रेलवे स्टेशन रेल मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आवागमन का प्रमुख रेल मार्ग बरौनी कटिहार गुवाहाटी ही है और 5 मुख्य अलग अलग रेल रूटों में ट्रेनों का आवागमन यहीं से होता है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र की आबादी 12,72,759 है। 1973 में पूर्णिया जिले से अलग होकर कटिहार अलग जिला बना। 2006 में पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा कटिहार जिले को राज्य के अति पिछड़े जिले की लिस्ट में रखा गया था। राजनीतिक पृष्ठभूमि की अब हम बात करें तो कटिहार क्षेत्र से तारिक अनवर का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से वे 5 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी भी यहाँ से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अतीत पर गौर करें तो 1957 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह जीते थे। 1958 में उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस के बी विश्वास के हाथ जीता। 1967 में कांग्रेस की टिकट पर यहां से सीताराम केसरी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के युवराज ने यहां से चुनाव जीता। 1980 में कांग्रेस के तारिक अनवर ने यहाँ से चुनाव जीता। 1984 में भी तारिक अनवर के हाथ सफलता लगी, लेकिन 1989 में जनता दल के युवराज ने चुनाव जीता। 1991 में जनता दल ने यहाँ से मोहम्मद सुनूस सलीम को उतारा जिन्होंने तारिक अनवर को सी, लेकिन इसके बाद 1996 और 1998 के चुनाव में तारिक अनवर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। 25 मई 1999 को तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का विरोध करते हुए कांग्रेस छोड़ दिया और शरद पवार और पी संगमा के साथ मिलकर एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। 1999 में तारिक अनवर एनसीपी के टिकट पर कटिहार से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी के निखिल चौधरी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। 2004 और 2009 के चुनाव में भी यहां से निखिल चौधरी जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन 2014 के मोदी लहर के बावजूद एनसीपी नेता तारिक अनवर जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने निखिल चौधरी को शिकस्त दी। इस सीट के समीकरण के कटिहार संसदीय क्षेत्र के वोटरों की कुल संख्या 12,72,769 है। इनमें से 6,75,944 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 5,96,825 है। अब हम बात करेंगे विधानसभा सीटों का समीकरण। कटिहार संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती है जिनका नाम है कटिहार, कदवा, बलरामपुर, मनिहारी और बरारी। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस, 1 आरजेडी और 1 सीट सीपीआई को मिली। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव का बात करेंगे हम,
तो 16वीं लोकसभा के लिए 2014 में हुए चुनाव में कटिहार सीट से एनसीपी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जीतकर उनको 431,292 वोट मिले। दूसरे नंबर पर हैं बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी को 316,552 वोट मिले। जेडीयू के राम प्रकाश महतो को 1,765 वोट मिले, जबकि जेएमएम के बालेश्वर मरांडी को 33,993 वोट मिले। इससे पहले निखिल कुमार चौधरी ने तारिक अनवर को 14,015 वोट से हराया। इस तरह हम कटिहार से कौन बनेगा सांसद आज इस पे चर्चा किए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।